आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में जो आकार में तो हमारी पृथ्वी के इतना बड़ा है, लेकिन अगर उसके तापमान की बात करें तो वो हमारे सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह से कई गुना ज्यादा गर्म है। लेकिन खासियत इस ग्रह की ये है कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस ग्रह पर बहुत ही अमूल्य रत्न पाए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हीरे जवाहरात का खजाना मौजूद हो सकता है। तो आखिरकार ये ग्रह है कहाँ और कैसे वैज्ञानिकों को लग रहा है कि ये पूरा का पूरा ग्रह अमूल्य रत्नों से भरा हुआ है। पहले भी कुछ डायमंड प्लेनेट्स के मिलने की बात होती रही है, लेकिन इस बार जो ग्रह मिला है वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि ये बिल्कुल विचित्र ग्रह है, क्योंकि इसका तापमान इतना ज्यादा है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी पहले से अनुमान नहीं लगाया था। तो इस ग्रह के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूं वो हमारे सौर मंडल से बाहर तो है ही, और साथ ही मैं बता दूं कि इस ग्रह के सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां पर ना तो कोई यान भेजा जा सकता है, ना कोई प्रोब भेजा जा सकता है, और इंसान के जाने की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सेकेंड्स भर के अंदर में कोई भी जीव जल कर राख हो सकता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है उस ग्रह के सतह का। लेकिन वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि इतने ज्यादा तापमान और दबाव के कारण उस ग्रह का सतह जो है वो पूरी तरीके से अमूल्य रत्नों से भरा हुआ होगा। हाँ, वहां पर हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, और अलग अलग जो प्रीसियस स्टोन्स कहे जाते हैं वो तमाम स्टोन्स उस ग्रह पर मौजूद होंगे, ये दावा वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ये ग्रह कैसा है और किस तरीके से वहां का तापमान इतना ज्यादा हो चुका है, ये तमाम चीजें मैं बताने वाला हूं सिलसिलेवार तरीके से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस माना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस ग्रह की बात कर रहा हूं उस ग्रह के सतह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, ये वो तापमान है जो सौर मंडल में किसी भी ग्रह का नहीं है। अगर सूरज से सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें, बुध की बात करें, या उसको आप मरकरी भी कह सकते हैं, तो उस ग्रह का तापमान भी उतना नहीं है। वो 400 से 410 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो वैरी कर सकता है। और अगर अपने सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो है वीनस। जी हाँ, शुक्र ग्रह। हालांकि वो बुध ग्रह से ज्यादा दूर है सूरज से, इसके बावजूद यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका वायुमंडल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत ही बारीक वायुमंडल वहां मौजूद है। इसलिए शुक्र ग्रह की तापमान की बात करें, यानी वीनस प्लेनेट की बात करें, तो वहां का तापमान 460 से 465 डिग्री के बीच में वेरी करता है। तो इन सब से भी बहुत ज्यादा तापमान इस ग्रह का है। अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार कितना ज्यादा है, तो आपको बता दूं कि इस ग्रह का तापमान है 2000 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जिस वीनस की हम बात करते हैं, जहां पर महज 460-465 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इतना उबलता हुआ ग्रह माना जाता है, बिल्कुल नर्क की तरह का ये ग्रह माना जाता है, तो उस ग्रह के हालात क्या होंगे जिसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम दिया है जॉनसेन। ये हमारे सौर मंडल के बाहर पाए जाने वाले सबसे विचित्र ग्रहों में से एक है। अब आप ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से मैं दावा कर रहा हूं, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस ग्रह पर बड़ी मात्रा में अमूल्य रत्न मौजूद हो सकते हैं, तो आखिरकार इसका आधार क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस ग्रह पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ये कार्बन बहुत ज्यादा दबाव में आकर हीरे में तब्दील हो जाते हैं।
और मैं अब आपको बताता हूं कि आखिरकार इस ग्रह की खोज कैसे हुई, वैज्ञानिकों को यह ग्रह मिला कैसे। तो दरअसल इस ग्रह के बारे में जानकारी इसके तारे कोपरनिकस की अत्यधिक सटीकता से किए गए ऑब्जर्वेशन से मिला है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जो प्रकाश की तीव्रता को काफी सटीकता के साथ मापते हैं। और इस ग्रह को खोजने वाले वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि ये जो ग्रह है इसका जो ऑर्बिट पैटर्न है वो बहुत ही विचित्र है और वो कभी भी पृथ्वी के पास से नहीं गुजरता है। लेकिन जैसे ही जॉनसन पृथ्वी और तारे के बीच से गुजरा, प्रकाश का माप थोड़ा बदल गया। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि अगर हमारा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दौरान उसके सामने आकर प्रकाश को रोक लेता है।